मुझे सीता जी का रोल निभाने मिला, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। मुझे लगता है मेरा ब्लेसिंग है सीता माँ का, इसलिए बहुत ही अच्छे से जा रहा है। ये रोल मिलना एक साइन था, एक महीने से भी कम टाइम बचा मेरा मिस यूनिवर्स जाने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इससे ज्यादा बेहतर मैं सोच ही नहीं सकती, इससे ज्यादा हो सकते क्या है। माता सीता का किरदार निभाने पर मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिन्हा ने कहा कि मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं देवी सीता की भूमिका निभा रही हूँ। मैं पहली बार अयोध्या आई हूँ और यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैंने राम मंदिर भी देखा और खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। हाईवे पर अवध बस स्टैंड के सामने स्थित श्री राम ऑडिटोरियम में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही अयोध्या आई मुझे सकारात्मक ऊर्जा महसूस होने लगी। मैं बचपन से ही अयोध्या के बारे में सुनती थी। सीता का रोल निभाना बहुत चुनौतीपूर्ण है, इसके लिए बहुत ही शांति, समर्पण और जानकारी चाहिए। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे यह रोल करने का अवसर मिलने जा रहा है, इसको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे सीता जी का रोल निभाने मिला, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। अयोध्या में पहली बार मैं यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही दिल से अच्छे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा पहली बार है अयोध्या में, लेकिन जब यहाँ पे मैं काम करने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने पहले यहाँ काम किया हुआ है। मुझे लगता है मेरा ब्लेसिंग है सीता माँ का, इसलिए बहुत ही अच्छे से जा रहा है। ऑफकोर्स मैं अभी राम के मंदिर पे जाकर आई, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा डिवाइन एनर्जी महसूस हुई, इसलिए इससे ज्यादा मैं क्या ही मान सकती हूँ। हाँ जी, मैंने किया, मुझे बहुत अच्छे से दिखाया गया था और मुझे आशीर्वाद भी मिले वहाँ से। बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये रोल मिलना एक साइन था, क्योंकि अभी ही एक महीने से भी कम टाइम बचा मेरा मिस यूनिवर्स जाने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इससे ज्यादा बेहतर मैं सोच ही नहीं सकती, इससे ज्यादा हो सकते क्या है। बहुत सारे द्वार खुल गए, अच्छे लोगों से मिली मैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही अगर होता रहा, अगर मैं ऐसे ही लोग से मिलते रही, तो मेरा तो बहुत ज्यादा ब्लेसिंग रहेगा। क्या कहेंगे मैंने यहाँ पे इतना सारा ग्रोथ देखा है। मैं जब एयरपोर्ट पे लैंड हुई, पहला मैंने देखा उधर, मुझे वहां से लेकर मैं आगे तक गई, मैंने मंदिर देखा, इतना सारा एडवांस हो गया है, तो भी कल्चर है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी कर रहे हैं अयोध्या में, वो बहुत सही कर रहे हैं और करते रहेंगे, तो फिर बहुत आगे जाएगा अयोध्या।